नाजरीन कशिर खबरनामे हेत चुस साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मंज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे घरकुली मामलन हंदी मरकजी वजीर अमित शाह वादी मंज मौजूद हदबंदी मुकमल सपदन पता असेंबली इंतखाब अमले मंज अनन तो रियासत दर्ज बहाल करने सवाल मरकज वादबंद अमित शाह वादी हंदन बालई इलाकन मंज शीन तो मैदानी इलाकन मंज रूद पेन जारी मेव बागन नुकसान कयान इलाकन मंज सड़क जेरियाब आम लुकन हंद फेरन तोरन मुश्किल तो नूरपुर त्रालस मंज मौसमी खराबी दौरान जमीन वसित दिनुक मामल अके अलग त्रे नफर अजान अख जख्मी इलाकस मंज लोग दमप तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील घरकुली मामलन हंद मरकजी वजीर अमित शाह ये जम्मू हंदिस दौरस पे आज सुबह श्रीनगर व्रीनगर एयरपोर्टस पे अमित शाह वालहान इस्तबाल कर आमुत यह दौरान श्रीनगर एयरपोर्टस पे मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह एल जी मनोज सिन्हा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता पुलिस सरबरा दिलबाग सिंह तो इंतजामी कन दोन अफसर अलव भारतीय जनता पार्टी हंद कया लीडर त मौजूद श्रीनगर एयरपोर्टस पे वातने पत्च घरकुली मामलन हंद मरकजी वजीर अमित शाह श्रीनगर किस नवगाम इलाकस मंज पुलिस अफसर मरहूम परवेज अहमद सुंद घर वातमित यह दौरान तिमो अहल खाना सत तजियत तो यकजती हंद इजहार कोर यल जन अत मौक पे अमित शाह परवेज अहमदनी शरीक हयात फातिमा अख्तरस सरकारी नौकरी हंद कागजात त हवाल कर दूर थोड़ा नवगाम श्रीनगर पत्च अमित शाह राजभवन श्रीनगर वातमित यह दौरान तिंद सदारत मं सिक्योरिटी सूरत हाल हवाल आला सतह मीटिंग सपज मीटिंग मं ये एल जी मनोज सिन्हा पुलिस फौज तो सी आर पी एफ को जिम्मेदारों शिरकत कर तत आई बी रा एन आई ए तो दोन एजेंसियन हंद जिम्मेदार मीटिंग मं मौजूद अत मौक पे ये सिक्योरिटी सूरत हाल हवाल अमित शाह तफसीली जान फराहम कर आई तत सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद मुस्तकम करनस हवाल त कथन दल दिन आमुत अमित शाह ये वादी हंदिस दौरस दौरान शाम पत जम्मू कश्मीर यूथ क्लबस सत वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए कत बात कर यह दौरान यूथ क्लबस में शामिल नौजवानों तरफ अमित शाह दरपेश मुश्किल हवाले जान फराहम कर तत कर तमो वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए श्रीनगर शारजा हवाई परवाज त इफ्तिता यल जन घरकुली मामलन हंद मरकजी वजीर अमित शाह पगह जम्मू दौर कर यह दौरान जम्मिस मं भारतीय जनता पार्टी तरफ अवमी जलसुक साज कर आमुत यह बावन लायक जरी जुवस मं जम्मू कशीर हुंद खसूसी दर्जे खत्म करने पत छु अमित शाह सुंद जम्मू कशीर हुंद ये गोडनुक दौर यल जन अमित शाह यूथ क्लबस सत कत करान वोन जे येते 5 अगस्त 2019 मंज मरकजी सरकार तरफ निन आमते फैसले पत कयाव लूको तरफ सवाल खड़ा करना आई जे जम्मू कशीर अंदर क्या जाव इंटरनेट बंद करने तो कर्फ्यू निफाज अमले मंज अन्न तथा दरजवाब अमित शाह आज श्रीनगर मं वोमुत कि सह वक्त मजबूरी तो हालात काच मं रटने बापत उस कदम तुलने आमुत तो यदवे तम सस तकलीफ वो तम बापत तम माजरत खा मित्र 5 अगस्त 2019 का डेट तिथि
वो कोई शब्द छोड़ना नहीं चाहता, कश्मीर के इतिहास में सुवर्णमय अक्षरों से लिखा जाने वाला तिथि। कश्मीर के अंदर एक नई शुरुआत, दहशत, आतंकवाद, भय, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का अंत होकर शांति, विकास, समृद्धि और सह अस्तित्व के एक नए युग की शुरुआत हुई। इसको इस जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बल देना है। ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, ये विकास जो आपको दिखाई पड़ता है, मैं विकास के आंकड़े और बाकी सारी बातें भी बताता हूं, क्योंकि ढेर सारा अपप्रचार होता है कि हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। आज 45,000 से ज्यादा युवा यहां पर बैठे हैं, सब कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। जीवन में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज होती है मित्र, और बहुत सारा विकास का काम भी शुरू हुआ है, और हम चाहते हैं कि कश्मीर पहले भारत सरकार से मदद आती थी, आज भी आती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सहा है कश्मीर ने, परंतु एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कश्मीर भारत सरकार के, भारत के विकास के लिए कंट्रीब्यूट करे, लेने वाला नहीं, भारत को देने वाला प्रदेश बने। इस प्रकार का हमारा जम्मू कश्मीर बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा, और ये जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के युवाओं की 70 साल की जमहूरियत में क्या दिया, 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार, मैं नाम लेना नहीं चाहता परिवार का, सब जानते हैं। मोदी जी ने 30,000 चुने हुए प्रतिनिधि देने का काम इतने कम समय के अंदर दिया है। मित्रों, एक दावा था कि आतंकवाद बढ़ जाएगा, 2004 से 14 के, मैं पुराने 90 के तो आंकड़े लाने बोलना भी नहीं चाहता, उसमें 2081 नागरिकों का मृत्यु हुआ था, प्रतिवर्ष 208, और 14 से 21 अब तक प्रतिवर्ष 30 लोगों की मृत्यु हुई। आतंकवाद कम हुआ है, पथराव अदृश्य हो गया है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रूढ़ा नहीं डाल पाएगा, ये हमारा कमिटमेंट है, और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, मैं इसमें ज्यादा आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब तक 40,000 से ज्यादा, सब मिलाकर सेना, दहशतगर्द और नागरिक, सुरक्षाकर्मी, सेना, सब मिलकर 40,000 लोगों की जान गई। इसे हमें खत्म करना है या नहीं करना है? दहशतगर्दी और विकास दोनों एक साथ संभव है क्या? आप बताइए मुझे, संभव है, हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। विकास की पहली शर्त है यहां शांति हो, और कौन इसको निकालेगा? सरकार निकाल सकती है क्या? ना भाई ना, सरकार तो प्रयास कर सकती है दहशतगर्दी को निकालने का काम। मेरे यूथ क्लब के आज मेरे सामने उपस्थित 45,000 युवाओं ने करना है, आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने शांति और विकास का दूत बनकर समग्र जम्मू कश्मीर के युवाओं में संदेश लेकर जाना है कि ये रास्ता नहीं है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का, ये रास्ता हो ही नहीं सकता। और पाकिस्तान की बात करने वालों को मैं कई जवाब दे सकता हूं, मगर मैं वो जवाब देने यहां नहीं आया, मैं तो मेरे युवा भाई बहनों के साथ बात करने आया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पास में ही पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, हमें तो अभी जम्मू कश्मीर में जो विकास है इससे संतोष नहीं है, परंतु अभी भी यहां का जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर का एक बार तुलना कर देना, क्या मिला? गरीबी के अलावे क्या मिला? अंधेरे के अलावे क्या मिला? धुएं के अलावे क्या मिला? आज भी घर में लकड़ियां और टहनियां जलाकर खाना पकाया जा रहा है, और यहां विकास के एक नए दौर की शुरुआत हुई। 2019 के बाद यहां कुछ गिने चुने लोगों ने बहुत हो हल्ला मचाया,
कि यहां कर्फ्यू क्यों डाला गया है, यहां इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया। मैं तो जवाब देता हूं, मगर पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। 70 साल आपके 3 परिवारों ने ही यहां राज करा है, हम तो 2-2.5 साल राज में रहे, 3 परिवारों ने राज किया है, 40,000 लोग क्यों मारे गए? क्या जवाब है आपके पास? और उस वक्त जिस प्रकार से भावनाएं भड़काने का एक कार्यक्रम बना था, षड्यंत्र था, कुछ विदेशी ताकतें भी वो षड्यंत्र में जुड़ी थी, अगर हम कर्फ्यू न करते तो न जाने कितने बूढ़े बाप अपने युवा बेटों का जनाजा कंधे पर लेकर जनाजे निकालते होते। कौन बचा है कर्फ्यू डालने से? कोई मुझे बताएगा कौन बचा है? कश्मीर का युवा बचा है, इंटरनेट बंद किया कश्मीर का युवा बचा है। आज परिस्थिति सामान्य है, सब खोल दिया, सब रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, टूरिज्म आ रहा है, कोई कर्फ्यू नहीं है। मगर उस वक्त उकसाकर, दबाव बनाकर, बदनाम कर कर्फ्यू उठवाना उनका लक्ष्य था। कर्फ्यू उठेगा, दहशतगर्दी बढ़ेगी, लोगों का संघर्ष होगा पुलिस के साथ और लोग मारे जाएंगे और हमारी राजनीतिक रोटियां हम सेकते रहेंगे। फिर भी अगर किसी को इससे तकलीफ होती है तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि लंबे भले के लिए थोड़े समय की तकलीफ आपको दी गई है। जैसे मलेरिया होता है और क्विनाइन की कड़वी दवा डॉक्टर हमें देता है ना, इस प्रकार की यह तकलीफ थी, इससे आपके बच्चे ही सुरक्षित हुए, मेरे कश्मीर के युवा, मेरे भाई बहन ही सुरक्षित हुए। किसी को क्या फायदा है? मोदी जी को क्या फायदा है? मैं तो नजदीक से मेरा मंत्रालय देखता हूं, मनोज जी यहां बैठे, पूछे कभी जाकर मिलिए, सबको मिलते हैं मनोज जी, हर रोज मोदी जी कश्मीर की चिंता करते हैं। मित्रों, मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि मुख्य धारा में लाइए, मैं सबको कहता हूं कि कश्मीर ही हमारी मेन लैंड है। कश्मीर भारत का पहले मुकुटमणि बताते थे, मैं बताता हूं कश्मीर भारत का दिल है। डिलिमिटेशन रोकना, क्यों रोकना? क्योंकि हमारी राजनीति का नुकसान होता है भाई। अब कश्मीर में ऐसा कुछ रुकने वाला नहीं है, कश्मीर के युवाओं को मौका मिले इसलिए अच्छा डिलिमिटेशन भी होगा, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा और फिर से स्टेटहुड का स्टेटस भी वापिस आने वाला है। मैंने देश की पार्लियामेंट में कहा है और यही रोड मैप है। और मैं तो कश्मीर के युवाओं से दोस्ती करता हूं। नाजरीन कोशिश खबर नाम चुजेरी इतनी मो आखती जरती वक्त पर।